हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2024 लेटेस्ट मॉडल रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 स्टैंडर्ड वेरिएंट, जिसके अंदर भी आपको एक नया अपडेट देखने को मिलता है। इसकी जो पीछे की टेल लाइट है, ये पूरी चेंज हो चुकी है, तो पुरानी वाली टेल लाइट आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाली है। और दूसरा बदलाव आपको जो बाइक के अंदर देखने को मिलता है, वो है इस बाइक की सीट। इस बाइक की अब चेंज हो चुकी है, तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाली है। एंड इस बाइक के अंदर एक और बदलाव हुआ है, इस बाइक का जो साउंड है वो भी चेंज कर दिया है। तो मैं आपको एक बार इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। तो चलिए करते हैं बाइक के इंजन को स्टार्ट। तो तीन बड़े अपडेट के साथ में आपको ये बाइक देखने को मिलने वाली है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस बाइक की 2024 लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस कितनी है, बाइक आपको कितने का माइलेज निकाल कर देती है, एंड क्या कुछ अपडेट आपको 2024 के अंदर इस बाइक के अंदर और देखने को मिलने वाले हैं, उसके बारे में आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक की ऑन रोड प्राइस की। 241,500 रुपये की आपको बाइक ऑन रोड मिलने वाली है। जयपुर सिटी के अंदर अदिति मोटर्स पर यह बाइक आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस बाइक की से। तो की आपको वही सेम देखने को मिलने वाली है जो अभी पुरानी नई स्टैंडर्ड में मिलती थी, वही इसके ऊपर आपको आरी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इसके फ्रंट में आपको जो मिरर देखने को मिलता है, क्रोम वाले मिरर आपको इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मिलने वाले हैं। जैसे ही आप इस बाइक की को ऑन करते हो, तो इसके फ्रंट में आपको जो पार्किंग लाइट देखने को मिलती है, लाइटें ऑन हो जाती है। इंजन स्टार्ट होते ही इस बाइक की जो बड़ी हेलोजन हेडलाइट है, ये ऑन हो जाती है। इसके ब्रेक एंड लीवर, ये भी आपको स्टील मेटल क्रोम फिनिशिंग के साथ में देखने को मिलने वाले हैं, कुछ इस तरीके के। साइड में आपको नॉन फ्लेक्सिबल हैलोजन टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। हजार्ड का ऑप्शन आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है, जिससे आप इस बाइक के चारों इंडिकेटर को एक साथ ऑन कर सकते हो। इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, 41 mm फॉरवर्ड, 130 mm ट्रेवल। फेंडर वगैरह आपको स्टील मेटल बॉडी पार्ट के साथ में मिल जाते हैं, तो बिल्ड क्वालिटी के नाम से बाइक एक नंबर ऑप्शन हो जाती है। सस्पेंशन के ऊपर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं दोनों तरफ। इसके फ्रंट में आपको 300 mm की डिस्क एंड बाइब्री कंपनी के कैलिबर मिल जाते हैं। इसके फ्रंट में टायर सेक्शन की बात करूँ तो 19 इंच के टू वाले टायर आपको इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की साइड प्रोफाइल की। तो इसके टैंक के ऊपर आपको रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जो कि आपको गोल्डन कलर फिनिशिंग के साथ में मिल जाती है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, मैनुअली हाथ से डिज़ाइन करे हुए, जिससे इस बाइक का जो लुक है काफ़ी प्यारा निकल कर आता है। यहाँ पर आपको E20 का अपडेट देखने को मिल जाता है। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 13.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस बाइक की मिल जाती है। बात कर लेते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इसके अंदर आपको डिजिटल प्लस एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको क्रोम का वर्क मिल जाता है, साइड में आपको आरी की ब्रांडिंग। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, लो बैटरी वार्निंग, एवीएस लाइट, चेक इंजन लाइट, न्यूट्रल लाइट, साइड में आपको आई बटन मिल जाता है, जिससे आप इस बाइक के ट्रिप वन, ट्रिप टू एंड डिजिटल क्लॉक को भी एडजस्ट कर सकते हो। सिंगल ऑन आपको इस बाइक के अंदर सुनने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन की। तो इसके अंदर आपको 350 cc का एयर कूल इंजन मिल जाता है, जो 20.21 bhp की पावर जनरेट करता है, 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक के माइलेज की बात करते, बाइक आपको 35 का माइलेज निकाल कर दे देती है। इस बाइक के अंदर आपको टोटल 5 गियर्स देखने को मिल जाते हैं, एक आगे और 4 पीछे। इस बाइक के अंदर आपको किक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। इसकी साइड प्रोफाइल के अंदर आपको बुलेट 350 की ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि आपको गोल्डन कलर फिनिशिंग के साथ में देखने को मिलती है। इस बाइक की सीट हाइट की बात करूँ तो 800 mm की सीट हाइट आपको इस बाइक की मिल जाती है। सीट इस बाइक की चेंज हो चुकी है। इसकी रियर प्रोफाइल के अंदर आपको पिलियन के लिए एडजस्टेबल फुटरेस्ट देखने को मिलने वाले हैं, कुछ इस तरीके के। इसके रियर में आपको 6 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोडेड सस्पेंशन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको बाइब्री कंपनी के कैलिबर मिल जाते हैं। 270 mm की डिस्क आपको इस बाइक के अंदर मिल जाती है। इसके रियर में आपको 120-80-18 इंच के स्टार देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं इस बाइक की बैक प्रोफाइल। इसके बैक में आपको सिंगल पीस ग्रेवल देखने को मिलने वाले हैं, कुछ इस तरीके के। नीचे तरफ को रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको टेल लाइट देखने को मिलती है, हैलोजन एंड नॉन फ्लेक्सिबल हैलोजन टर्न इंडिकेटर आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर मिल जाता है। नीचे तरफ को रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। दूसरी तरफ आपको इस बाइक के अंदर लेडीज फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये था 2024 लेटेस्ट मॉडल रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 स्टैंडर्ड वेरिएंट का एक स्मॉल सा रिव्यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहें।